समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही तस्वीर सामने साफ हो गई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार कर अपना मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। पार्टी को भरोसा है कि उसके दिग्गज और लोकप्रिय सांसद अपने साथ साथ आसपास की सीटों पर भी पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिले। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपनी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद उतारे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। एक अन्य केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी बहुल निवास सीट से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी ने 4 सांसद और उतारे हैं। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह शहर के पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। नर्मदापुरम से 3 बार के सांसद राव उदय प्रताप सिंह अपने गृह जिले नरसिंहपुर की गाडरवाड़ा सीट जिताने की उम्मीदवारी दी गई है। वहीं सीधी सांसद रीति पाठक को सीधी विधानसभा से पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा सतना सीट से 4 बार के सांसद गणेश सिंह इस बार सतना विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। महाकौशल और चंबल अंचल में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उतार कर बीजेपी ने चुनावों में अपनी आक्रामक रणनीति का इजहार किया है। भाजपा के रणनीतिकार इसे पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी नेतृत्व हमारे उतरे हुए हैं, जो शीर्ष और अनुभवान नेता माने जाते हैं, वो सब दमखम से साथ चुनाव लड़ रहे हैं और मैदान पकड़ चुके हैं। लेकिन वही कांग्रेस के तमाम नेता मैदान से बाहर निकल रहे, छोड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह की जब बात आई तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सुरेश पचौरी जी की बात आई तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अरुण यादव से चुनाव की बात आई तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो वहां को चुनाव पहले रण छोड़कर भाग चुके हैं रणछोड़दार। और हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन के साथ जुड़कर चुनाव लड़ रहा है चुनाव मैदान में, क्योंकि हमने काम किया है, वादे पूरे किए हैं। भाजपा के दिग्गज सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को अपनी विधानसभा सीट के साथ साथ अपने आसपास के जिलों में भी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर और चंबल अंचल में खास प्रभाव है। वहीं प्रहलाद पटेल का महाकौशल और बुंदेलखंड अंचल में जोरदार प्रभाव है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते का मंडला डिंडोरी सिवनी बालाघाट छिंदवाड़ा समेत आदिवासी अंचल में बड़ा महत्व है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा आदिवासी सीटों पर पिछड़ गई थी। पार्टी ने इसी को देखते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास सीट से उतारा है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह के चुनाव मैदान में उतरने से महाकौशल में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर है, इसलिए बीजेपी जो भी कोशिश करे उसकी हार तय है। भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं को विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारने से जबलपुर और नरसिंहपुर, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ा है। प्रहलाद पटेल कई बार के सांसद हैं और जहाँ जहाँ से चुनाव लड़े हैं वो, उसमें एक बार कमलनाथ से हारने के अलावा उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, और इसलिए उनको नरसिंहपुर से भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर से 4 बार के सांसद रहे राकेश सिंह को पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट के मुकाबले में विधानसभा जबलपुर की विधानसभा पश्चिम से मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है कि दोनों बड़े नेताओं के मैदान में उतरने से जहां एक तरफ चुनाव रोचक हो गया है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी बढ़ा है, क्योंकि ये दोनों ही नेता 4-4 बार के सांसद हैं और हर बार इनका जो ग्राफ है वोटों का वो बढ़ता गया है। भाजपा मजबूर हो गई है अपने सांसदों को विधानसभा में उतारने के लिए, क्योंकि उसके पास चेहरे नहीं है। जब चेहरे नहीं है तो बीजेपी क्या करेगी, मजबूरी से बड़ा कदम उठाएगी। ये सारे सांसद विधानसभा चुनाव में हारने वाले हैं और इनके भविष्य अंधकार में जाने वाले हैं राजनीतिक, क्योंकि जब चुनाव हार जाएंगे तो आगे कोई मौका नहीं मिलना है। एक तरफ इनको राजनीतिक तौर पर निपटा दिया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूरी भरा चेहरा है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है इनसे। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत से 6 सीट दूर रहने वाली बीजेपी ने इस बार अपने दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतारे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी की इस रणनीति का असर क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।